नमस्कार सर, की नाम है थोड़ा? सेवा शंकर जी। हाँ जी सर, थोड़ा पॉलिटिक्स दे विच इंटरेस्ट है? हाँ जी। ओके, तो तुसी वोट करते हैं वैसे? वोट तो आप पाई दे रहे पहले। तो जेड़े लोग वोट नहीं करते उन्होंने की कहना चाहोगे? उन्होंने भी वह फायदा नहीं, वोट खराब होंगी। ठीक है जी, वोट तो पानी चाहिए जरूरी, भावें किसी को भी पाओ। ठीक है, पार्टी जो कोई काम करता उन्होंने वोट पानी चाहिए। ठीक है जी, बाकी वोट खराब नहीं करनी चाहिए, जरूरी पानी चाहिए वोट। राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, ना ही किसी का शत्रु, ये सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथांश गुप्ता है और मैं 11 वर्ष का हूँ। दोस्तों आज मैं अपने पंजाब भ्रमण के तहत आया हूँ आपके शहर लुधियाना में, और इस समय मैं लाडोवाल टोल प्लाजा के सामने खड़ा हूँ। एंड लुधियाना बहुत फेमस है हॉर्जरी के लिए और यहाँ के जो इंडस्ट्रियल स्पेयर पार्ट्स हैं उनके लिए। दोस्तों आज धूप बहुत है यहाँ पर, इसलिए आंखों में पड़ रही है तो मैं प्रॉपर नहीं दिख रही आंखें। एनीवेज दोस्तों, जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे होते हैं तो जो ये जो राजनेता होते हैं ये सत्ता में आने के लिए कोई भी पार्टी छोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं बस एक टिकट लेने के लिए, ताकि वो सत्ता में आ जाएं। तो ऐसे लोगों से हमारे को दूर रहना चाहिए। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूँ राजनीति के टाइप्स, मैं मान लो कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में मेजर चल रही है वो है जो धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो एक मराठा लीडर थे, तो उनकी जब वॉर हुई थी औरंगजेब के साथ, तो छत्रपति महाराज जी का जो सेनापति था वो एक मुस्लिम था और जो औरंगजेब का सेनापति था वो एक हिंदू था। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा सेनापति हिंदू है या मुस्लिम है तो हम उसको नहीं लड़ाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि कोई धर्म उनके लिए मैटर नहीं करता, राजनेताओं के लिए भी ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए और ऐसे ही लोगों को हमारे को चुनना चाहिए। क्योंकि जो राजा होता है उसके लिए प्रजा एक जैसी होती है, राजा और प्रजा एक ही चीज़ होती है, क्योंकि इंसान तो सभी लोग हैं, धर्म वगैरह तो सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। दोस्तों अगर हम एक और एग्जांपल लेके चलें तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया पार्टीज़ का, तो जो नेता होते हैं वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। कि अब जैसे मैं कहूँ कि ए पार्टी है तो उसमें दो नेता हैं, वो दोनों दोस्त हैं, तो अगर एक नेता ने कोई वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपोजिशन में आ गए, सिर्फ पार्टी अपोजिशन में है, वो दोनों फिर भी दोस्त रहेंगे। तो ये जो ऐसी चीज़ होती है तो इससे हमारे को दूर रहना चाहिए। एंड जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका जो ये होता है कि अगर वो हमारे साथ मित्रता करते हैं कि आप हमारे को वोट दो हम ये करेंगे, वो हमारे घर पे आ रहे हैं चाय पानी पी रहे हैं, तो ये उन एक राजनीति है उनकी, जिस जहाँ से वो अपना वोट बैंक को बढ़ाते हैं और उसका मतलब इससे कोई हमारे समाज का भला नहीं होने वाला। और अगर हम दूसरी तरफ अगर मैं लेके चलूँ तो रिलीजियस टाइप पर जैसे मैंने कहा या और किसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने धर्म के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो देश का ही बंटवारा कर रहे हैं, कि वो अलग अलग बाइसिंग कर रहे हैं उसके अंदर। तो इन दोनों लोगों से, इन दोनों तरह के लोगों से, नेताओं से हमारे को दूर रहने की ज़रूरत है। कोसों में दूर हो जाइए, इन लोगों को वोट ना डालिए और समझदारी से अपने समझ कर उसको वोट को डालिए। 20 फरवरी को दिन को ऐतिहासिक बनाइए और आओ मिलकर एक नए पंजाब को लाएं। धन्यवाद।